नमस्कार किसान भाइयों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल 504 में। आज हम आलू में लगने वाले फफूंदी, पपड़ी, सड़न गलन, पत्ते का सूख जाना तथा आलू की जड़ में लगने वाले हर तरह की सुंडी के बारे में समाधान तथा सुरक्षा कैसे करें इस पर बात करेंगे। किसान भाइयों, आप लोग चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक प्लीज़ कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे सहायता मिल जाएगी। भाइयों, जिस तरह आप देख रहे हैं ये आलू का खेत है, इसमें फफूंदी जिस तरह से ये जड़ में आप देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी लगी हुई है तथा कहीं कहीं पे सड़न गलन की समस्या भी देखी जाती है, देखी जा रही है। देखिए ये जो पत्ता जो है सूख के बिल्कुल सड़ गया है, ये एक समस्या आती है इस टाइम। इस आलू के खेत में मैंने आज जब मैं यहाँ आया तो इसके नीचे जो है कहीं कहीं सूंड़ी भी मुझे दिखी है, जो मिट्टी के नीचे बिल्कुल बनी हुई थी, जो मैंने बाद में निकाली थी। किसान भाइयों, ये विशेष प्रकार का कैटरपिलर होता है जो जड़ में ही रहता है, मिट्टी में चला जाता है और ये जब सुबह शाम के टाइम में ये एक्टिव हो जाता है और बाहर आके ये पत्तियों को खाने लगता है और जड़ काट देता है। कहीं कहीं पे ये तनों में भी चला जाता है, तनों के अंदर घुस के ये तना को खाता रहता है। इसके उपचार के लिए आपको बाज़ार से इंडोजाकार 14.5% SC फॉर्म में आता है, इसको लेना है। किसान भाइयों, ये 100 ml 100 लीटर पानी के लिए होता है। किसान भाइयों, इसकी स्प्रे से आपको 3 से 4 दिन के बाद आप खेत में आप निरोगी देखोगे, आप खेत में किसी प्रकार की समस्या सूंडी से रिलेटेड आप नहीं देखोगे। अगर आलू के खेत में सड़न गलन की समस्या देख रहे हैं या फफूंदी आप जिस तरह से देख रहे हैं, देखिए फफूंदी लगा है इसमें, या पत्ते सड़ रहे हों, सूख रहा हो, तो उसके लिए आपको किसान भाइयों बाज़ार से आपको ये 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है मेटलॉक्सल मैनकोजेब। आप इसको ध्यान रखिए, टेक्निकल इसमें मेटलॉक्सल मैनकोजेब होना चाहिए। ये टोटल जो है फंगस के लिए, टोटल फफूंदी नाशक, सड़न गलन, सूखने की समस्या सभी के लिए ये इसके लिए सहायक होता है। भाइयों, आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों।